हिमाचल के राज्यपाल के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जातीय जनगणना को विभाजनकारी बताया। जयराम ठाकुर बोले, चुनावी बेला में अलग अलग जातियों की वजह अपने सियासी हित साधने में लगी है कांग्रेस। महामहिम राज्यपाल ने 3 दिन पहले कास्ट बेस्ड सेंसस को विभाजनकारी बताते हुए किया था सिकंदर के भारत पर हमले का जिक्र। राहुल गांधी द्वारा विभिन्न मंचों पर जातीय जनगणना को फायदेमंद बताए जाने के बाद गत सप्ताह CWC द्वारा सभी कांग्रेस शासित राज्यों को जारी किए जा चुके हैं निर्देश। CM सुक्खू की वजह हर्षवर्धन चौहान द्वारा हिमाचल में कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर आयोजित की गई थी पत्रकार वार्ता। 51% राजपूत और ब्राह्मण आबादी वाले हिमाचल में कांग्रेस व भाजपा ने आज तक नहीं बनाया कोई दलित अथवा OBC CM। कांग्रेस गठबंधन के जिसकी जितनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले से प्रदेश में केवल अपर कास्ट को होगा लाभ। जातीय जनगणना को लेकर छिड़ी बहस के बीच देश के 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने, राम मंदिर निर्माण व धारा 370 हटाने जैसे अपने फेवरेट टॉपिक भूले भाजपा नेता। पूर्व PM इंदिरा गांधी सहित कास्ट सेंसस के फेवर में नहीं थे देश में 5 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस के अधिकतर बड़े नेता। जो भी कास्ट सेंसस की अगर बात करें, जिस तरह से इसको एक शेप दे दी गई, जिस तरह से इसको चर्चा में लाने की कोशिश हुई है बिहार स्टेट के बाद, मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ राजनीतिक एक मकसद है, राजनीतिक मकसद के सिवाय और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दृष्टि से जो डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है कास्ट के नाम पर, ये भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है। मुझे लगता है कि मैंने जो राम मनोहर लोहिया जी के को कोट किया, वह इस आधार पर किया कि वह तंत्र समाजवादी चिंतक थे और उन्होंने इस बात को कहा था, दाम बांधो जाति तोड़ो। जाति के आधार पर जब भी इस देश का विवेचना हुआ है, तो मैं वह उदाहरण देना चाहता हूं कि जब यहां पर सिकंदर आया था और आने के बाद जलते हुए चूल्हों को देखा था जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, तो उनका ये क्या है, उनका ये विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं और ये अपने अपने अलग चूल्हे जलाए हुए हैं भोजन बनाने के लिए। सिकंदर ने कहा, विजय तो मेरी वैसे ही हो गई, क्योंकि जब ये खुद बटे हुए हैं तो हमसे युद्ध क्या करेंगे। कि जो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जाति तोड़ो दाम बांधो, आज आवश्यकता इसी की है दाम बांधने की, जिसमें महंगाई कम हो रही है, GDP आपकी बढ़ रही है। लोकतंत्र में इस अमृत काल में आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और भारत में रहने वाले कुछ लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वर्किंग कमेटी में फैसला हुआ है कि जो है कांग्रेस रूल स्टेट्स जो हैं वो पे जनगणना जो है वो जाति के आधार पे की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है बिहार राज्य ने की है और बिहार राज्य ने जो आंकड़े वो पेश किए हैं, या जिस कास्ट के या जिस सब कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज है या इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है, उनको जितना उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में भी जैसे CWC की मीटिंग हुई है और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखिंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा है, हिमाचल प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति के आधार पर लोगों को लड़ाने और बांटने का कोई काम करती है। नहीं, ये चुनावों से संबंधित नहीं है, ये एक जातिगत राजनीति, हर चीज चुनावों से संबंधित नहीं होती है। ये CWS ने माना है कि लोगों की मांग है तो करवा ले, नीचे उसमें क्या सेंसिस हो रही है, उसमें कास्ट का भी कॉलम होता है और पहले भी होती, तो इसको कोई नहीं। जो भी 4 राज्यों में चुनाव है वहाँ सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मध्य प्रदेश का और तेलंगाना को की सरकारों में वहाँ जो नाकामियां, उसको कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी होने के नाते उजागर करेगी। इस कमरे में दलित कितने हैं, इस कमरे में OBC कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरा मैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तई को माने।
किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। इसकी कितनी आबादी है हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व CWC के फैसले के मुताबिक उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री वाले सभी राज्यों में जातिगत जनगणना करवाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल में भी मीडिया व सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो चुकी है। 3 दिन पहले एक पुस्तक के विमोचन के दौरान जहां महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जातीय जनगणना को देश के लिए विभाजनकारी बताया था, वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे समाज को बांटने वाला बताया। पूर्व सीएम जयराम ने कहा कि 4 राज्यों आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस विभिन्न जातियों की भलाई की मंशा से नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यह जनगणना करवाने जा रही है। इससे पहले महामहिम राज्यपाल ने कास्ट बेस्ड सेंसस को समाज को बांटने वाला फैसला करार देते हुए कहा था कि वर्तमान दौर में एक तरफ जहां पूरी दुनिया तेजी से उभर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, वहीं चंद लोग बंटवारे की सियासत में लगे हैं। राज्यपाल ने समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया के दाम बांधो जाति तोड़ो मंत्र को कोट करते हुए कहा था कि आज एक तरफ जहां देश तेजी से विकास करने के बावजूद कीमतें नियंत्रित रखने में कामयाब रहा है, वहीं जातीय बंधन तोड़ने की भी कोशिश होनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों में कई हिंदूवादी संगठन कास्ट सेंसस को समाजवाद व हिंदुओं को बांटने वाला कांग्रेस का फैसला करार दे चुके हैं और जातिवाद की राजनीति के लिए मशहूर बिहार से शुरू हुए इस सिलसिले को खतरनाक बता चुके हैं। गौरतलब है कि CWC की मीटिंग में हुए डिसीजन के मुताबिक हिमाचल में भी जातीय जनगणना की जानकारी पत्रकारों को सीएम सुखविंदर सुक्खू ने नहीं बल्कि उनके करीबी कहलाने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने दी थी। उस दौरान हर्षवर्धन ने यह भी कहा था कि हिमाचल में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला लागू होने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जात व धर्म के आधार पर सियासत करना तो भाजपा का काम है। गत सप्ताह से प्रदेश भर में जातीय जनगणना को लेकर मीडिया व सोशल मीडिया पर बहस शुरू होने के बाद जहां भाजपा नेता देश के 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने, धारा 370 हटाने व राम मंदिर निर्माण जैसे अपने फेवरेट टॉपिक भूल चुके हैं, वहीं सीएम सुखविंदर सुक्खू भी इस मामले में खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने इस मामले में महज इतना कहा कि सूबे में जातीय जनगणना 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए नहीं बल्कि CWC के फैसले के मुताबिक की जा रही है। चर्चा इस बात के भी है कि हिमाचल में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद 90% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले इस राज्य में कांग्रेस का दूसरा वोट बैंक कहे जाने वाले दलित समुदाय को ज्यादा लाभ नहीं होने वाला क्योंकि सूबे में राजपूत व ब्राह्मण आबादी 51% के आसपास बताई जाती है। कांग्रेस अथवा NDIA गठबंधन द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मूले के मुताबिक जातीय जनगणना के बाद उनकी सरकारें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी फॉर्मूले के आधार पर काम करेगी। कास्ट सेंसस से बेशक राहुल गांधी देश की OBC व दलित आबादी को फायदा पहुंचाने की बात कह रहे हो मगर हिमाचल की बात करें तो यहां आज तक इन समुदाय से किसी भी पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया और ब्राह्मण कम्युनिटी से आने वाले शांता कुमार के अलावा अन्य सभी सीएम 33% के आसपास बताई जा रही राजपूत बिरादरी से रहे हैं। गौरतलब है कि देश की आजादी के 75 साल में से करीब 5 दशक तक हालांकि कांग्रेस ने राज किया है मगर इंदिरा गांधी सहित तमाम बड़े कांग्रेस नेता हमेशा कास्ट सेंसस व जातिवाद के खिलाफ रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव की बात पर मुझे लगता है कि बहुत गंभीर से जो भी कास्ट सेंसस की अगर बात करें जिस तरह से इसको एक शेप दे दी गई, जिस तरह से इसको चर्चा में लाने की कोशिश हुई है बिहार स्टेट के बाद, मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ राजनीतिक एक मकसद है, राजनीतिक मकसद के सिवाय और कुछ नहीं है और इससे किसी कम्युनिटी का भला होने वाला है, किसी कास्ट का भला होने वाला है, उनको बहुत ज्यादा कुछ ऐसी कोई चीज मिलने वाली इस प्रकार का तो विषय ही नहीं है। सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से इस विषय को खड़ा करने का, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दृष्टि से जो डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है कास्ट के नाम पर, ये भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है।
हाँ खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन कीनी रे मोसनैना मिलाई के छाप तिलक